वेलकम बैक ओल्ड बुक। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक, आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेडमी चैनल में। और जैसा कि हम एडजेक्टिव की क्लास कर चुके हैं दो, और जिसमें हम आज बात करेंगे यूज ऑफ करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव, कि हम एडजेक्टिव को करेक्टली कैसे यूज करें तो उसको समझेंगे। तो पहला हम देख रहे हैं कि सम और एनी, ये दो वर्ड मैंने लिए हैं और इसको हम करेक्टली कैसे यूज करेंगे इसको थोड़ा सा देखते हैं। कि बिफोर कॉमन नाउंस, सबसे पहली बात तो है कि बिफोर कॉमन नाउंस हम यूज करेंगे सम का, और ये अनिश्चित संख्या या परिणाम को क्या करता है, बताता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही वॉट सम बुक्स, उसने क्या करा कि कुछ बुक्स खरीदी है, लेकिन यहां पर यह पता नहीं लग रहा है कि उसने कितनी बुक्स को बाय करा है या खरीदा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर आस्क गोपाल सम क्वेश्चंस, यहां पर सम क्या कर रहा है, जो टीचर है उसने क्या करा, गोपाल से कुछ क्वेश्चन को पूछा है, लेकिन यहां ये नहीं पता लग रहा है कि उसने कितने क्वेश्चन उससे पूछे हैं। तो हमने बताया कि बिफोर कॉमन नाउंस जो है उससे पहले क्या करेंगे, हम सम का यूज करते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि आपका जो सम है वो यहां पर बता रहा है कि कितने क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं बता रहा, केवल इतना पता लग रहा है कि क्वेश्चंस कुछ ना कुछ पूछे गए हैं। दूसरा है एनी का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले उसकी संख्या और मात्रा बताने के लिए, प्रश्नवाचक और निषेधात्मक, मतलब कि एक तो क्वेश्चन मार्क जो होते हैं आपके सेंटेंस और निगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, यानी इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। तो यहां पर हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हैव यू बॉट एनी बुक, आप देख रहे हैं कि एनी का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले होगा और ये आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो क्वेश्चंस होंगे उसमें होता है, ज्यादातर उसमें होगा। और ये देखिए यहाँ पर हैव यू बॉट एनी बुक्स, यानी जो एनी है यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क वाला जो आपका सेंटेंस है, और दूसरा है ही हैज नॉट बॉट एनी बुक, यानी उसने कोई बुक नहीं खरीदी है। अब यहाँ पर ये नॉट वाला जो है, यानी इसका मीन्स हुआ कि निषेधात्मक, दैट मीन नेगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है। दूसरा, रामा डिड नॉट टेक एनी फूड, यानी रामा ने कुछ भी खाना नहीं खाया है, यानी भोजन उसमें कुछ नहीं है। डिड नॉट, यहाँ भी नेगेटिव आपका सेंटेंस है, और फिर है इज देयर एनी मनी इन योर पॉकेट, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो बात समझ में आ रही होगी कि एनी का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले उसकी संख्या मात्रा बताने के लिए होता है, लेकिन प्रश्नवाचक होंगे या इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव, या जिसे बोलते हम नेगेटिव सेंटेंस, उसमें यूज करा जाता है आप एनी का प्रयोग। मैं इसको अंडर कर रहा हूं, एनी का प्रयोग, और ये आपका सम का प्रयोग, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, मच एंड मेनी जो है इसका प्रयोग कहां और कैसे हम करेक्टली करेंगे। तो मच जो है अधिक की बात बताता है, यानी बहुत ज्यादा की बात करता है, का प्रयोग कॉमन नाउंस के साथ क्वांटिटी यानी मात्रा बताने के लिए किया जाता है। मच यानी बहुत ज्यादा की बात करेगा और क्वांटिटी बताएगा किसी भी प्रोडक्ट की। सो देयर इज मच नॉइस इन अ क्लास, तो नॉइस जो है वो बहुत ज्यादा है क्लास के अंदर, जो बच्चे शोर बहुत ज्यादा मचा रहे हैं, तो मच नॉइस का प्रयोग किया गया है। मच का प्रयोग किया गया है यानी ज्यादा की बात कर रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉइस हो रहा है। दूसरा है मैनी, मैनी में क्या है, मैनी बहुत से का प्रयोग, यानी मैनी का दैट मीन बहुत से, और का प्रयोग कॉमन नाउंस के साथ नंबर यानी संख्या बताने के लिए किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल है I have many friends, यानी बहुत से friends हैं मेरे पास, और you made many mistakes, यानी आप बहुत सी mistake कर चुके हैं, यानी करी हैं या कर चुके हैं। तो इसका मीन यहाँ पर निकल के आ रहा है कि many बहुत से के जहाँ सेंटेंस में sense आता है वहां पर यूज करेंगे, और much का जो प्रयोग है वो आपका जहां पर बहुत ज्यादा होगा उसकी यानी मात्रा बताने की बात करी जाएगी, उस जगह पर सेंटेंस में यूज करेंगे much का प्रयोग। आगे हम यहां देखते हैं कि फ्यू एंड आ फ्यू, तो फ्यू का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले लगभग नहीं के बराबर, यानी बिल्कुल एक प्रकार से जीरो की बात करेगा, नहीं के बराबर होगी संख्या की बात, लगभग बताते थे फ्यू बॉयज कैन डू दिस वर्क,
लाइक हम कह सकते हैं कि कोई वर्ग की बात कर रहा है कि बहुत ही कम जो बॉय है लड़के उसको कर सकते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। दूसरा है ऑफ यू का कॉमन नाउन से पहले होता है जिसका भाव पॉजिटिव यानी जो आप यानी एक यू जो है उसका क्या कहेंगे पॉजिटिव, उसका भाव निकल के आता है पॉजिटिव निकल के आता है। दूसरी बात जिसे कुछ अर्थ निकलता है, पॉजिटिव है भाव उसका और जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता होता है, जिससे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अ फ्यू बॉय राइट इंग्लिश करेक्टली यानी कुछ लड़के जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश सही से लिख सकते हैं। कुछ और सेंटेंस को हम देखेंगे और कुछ वर्ड्स को हम यहाँ पर अभी जानते हैं फिर से। सो फ्रेंड यहाँ पर हम देख रहे हैं फोर्थ लिटिल एंड और लिटिल में क्या डिफरेंस है और उसको कैसे करेक्टली यूज करेंगे। लिटिल का जो प्रयोग है वो कॉमन नाउन से पहले होगा और इसका अर्थ जो है नेगेटिव होता है। क्या होता है लिटिल का जो यूज है इसका जो अर्थ है वो नेगेटिव होता है और ये लगभग नहीं के बराबर बताता है। तो जैसे देयर इज लिटिल होप, लिटिल होप ऑफ दिस सक्सेस मतलब इस सफलता की बहुत ही कम ही मतलब एक संभावना है और ही हैज लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन हिम मतलब उनका प्रभाव मेरे ऊपर ना के बराबर पड़ा। मतलब मैंने क्या बोला किसी उसका प्रभाव जो है मेरे ऊपर बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। दूसरा है इसका आ लिटिल का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले और इसका अर्थ कुछ किंतु अधिक नहीं का होता है यानी कम क्वांटिटी को बताता है। ये कम क्वांटिटी मात्रा को बताता है लाइक एग्जाम्पल स्टे हियर आ लिटिल लॉन्गर मतलब वो बहुत ज्यादा समय के लिए यहाँ पर नहीं रुका। स्टे हियर आ लिटिल लॉन्गर यानी वो यहाँ पर बहुत कम समय के लिए रुका। आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस मतलब बात वही है कि यहाँ बहुत कम अगर बहुत कम किसी को नॉलेज है या बहुत कम ज्ञान है किसी भी संबंध में या किसी भी चीज के बारे में तो वो कहीं ना कहीं हमें हमारे लिए घातक होता है नुकसानदायक होता है। दूसरी बात है एल्डर ओल्डर और एल्डर में क्या डिफरेंस है इसको हम कहां कैसे यूज करेंगे करेक्टली तो ये बात समझनी है। सबसे पहली बात है ओल्ड की कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के रूप में मतलब प्रयोग होता है और कुछ इस प्रकार से ओल्ड का ओल्डर ओल्डेस्ट ओल्ड एल्डर और एल्डेस्ट ये आपका ये कंपेरेटिव और ये आपका सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव में ओल्डेस्ट है और एल्डेस्ट है। अब यहां देखेंगे अर्थात ओल्ड की जो कंपेरेटिव डिग्री में दो शब्द होते हैं एक तो ओल्ड और एल्डर। तो एल्डर का प्रयोग किस प्रकार से होगा निशांत एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको आज के बाद फिर इसे कभी भी बोलेंगे। निशांत इज ओल्डर देन प्रशांत। दूसरा एग्जाम्पल है कि माय एल्डर सिस्टर केम हियर। पहला कह रहा है कि निशांत क्या है प्रशांत से ओल्डर है और फिर दूसरे में कह रहा है कि माय सिस्टर मेरी जो सिस्टर है वो यहाँ पर आई भी है मेरी एल्डर सिस्टर जो मेरी यहाँ पर आई भी है। तो अब जो मेन बात है इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है वो ये है कि एल्डर यानी ई एल डी ई आर एल्डर का प्रयोग जो है वो फैमिली मेंबर्स के लिए किया जाता है इसके बाद देन नहीं आता। जो ई एल डी ई आर एल्डर है उसका प्रयोग फैमिली मेंबर्स के लिए किया जाता है उसके बाद देन नहीं आता और जो ओल्डर है उसके बाद देन आता है वो फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं किया जाता। तो पहला जो सेंटेंस आप दोबारा से एक बार पढ़ेंगे कि निशांत इज ओल्डर देन मी प्रशांत और निशांत क्या है उन दोनों को फैमिली रिलेशनशिप नहीं है इसलिए इसमें ओल्डर लगा है और देन का प्रयोग किया गया है जबकि एल्डर सिस्टर बोला गया है। एल्डर सिस्टर यानी वो उसकी बहन है फैमिली मेंबर्स है उसका कहते हैं ब्लड कनेक्शन है ब्लड रिलेशनशिप है तो वहां पर फैमिली मेंबर जहां पर आप आ जाते हैं तो सही संबंधी की बात जहां पर आ जाती है तो वहां पर आप क्या लगाएंगे एल्डर यूज करेंगे और वहां पर दैन यूज नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा और एक लास्ट और बचता है उसको हम और देख लेते हैं। यहाँ ईच तथा एग्री की बात की जा रही है और ईच का प्रयोग निश्चित यानी एक सर्टेन अमाउंट यानी संख्या की बात करते हैं प्रत्येक समूह जो समूह है उसमें सब व्यक्ति की बात करेगा मतलब और जैसे कि यहाँ पर पहला सेंटेंस है ईच ऑफ यू विल गेट ट्रीट तो यहाँ पर जो ट्रीट देने की बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि आप जितने लोग भी 8, 10, 9 या जितने लोग भी वहां पर प्रत्येक के लिए कहा जा रहा है कि आप सबको क्या मिलेगी पार्टी दी जाएगी या ट्रीट दी जाएगी। दूसरा है एवरी का प्रयोग समूह के लिए किया जाता है और अनिश्चित यानी संख्या का बोध नहीं कर रहा है यहाँ पर लेकिन समूह की बात की जाती है। तो द वर्ड्स वर सिटिंग ऑन एवरी ब्रांच यानी जो वर्ड्स हैं पक्षी हैं वो क्या है ब्रांच पे बैठे हैं प्रत्येक ब्रांच पे बैठे हुए हैं लेकिन यहाँ पर कितने बर्ड्स हैं इसके बारे में बात नहीं की गई है।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये काफी अच्छे समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से एडजेक्टिव को हम यूज करेंगे। तो अगर आपको ये क्लास काफी पसंद आई है और अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्द से जल्द शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।